लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी के बड़े केंद्रीय नेताओं की हनुमान बेनीवाल से नजदीकियां बढ़ी। वहीं बात करें वसुंधरा राजे व यूनुस खान की, तो बीजेपी के ही केंद्रीय व बड़े नेताओं के बीच काफी फासला देखा गया। अब ये कैसे हुआ इसको भी समझ लीजिए। इसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे चलना होगा। राजस्थान में जब 2018 में विधानसभा चुनाव हुए, तब राजस्थान बीजेपी के लिए वसुंधरा राजे और यूनुस खान दोनों स्टार प्रचारक थे। लेकिन 2018 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। विधानसभा चुनाव के 5 महीने बाद ही लोकसभा चुनाव आ गए। इन 5 महीनों में बीजेपी ने अपनी पूरी रणनीति बदल डाली। लोकसभा चुनाव में वसुंधरा राजे और यूनुस खान को खास तवज्जो नहीं दी गई। यहाँ तक कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी के पोस्टरों में वसुंधरा की फोटो भी देखने को बहुत कम मिली। लोकसभा चुनाव में अमित शाह की खास नजर राजस्थान पर बनी हुई थी, इसीलिए केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर को राजस्थान के रण में उतारा। प्रकाश जावड़ेकर ने हनुमान बेनीवाल से बात करके बीजेपी और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के बीच गठजोड़ बनाया और बिना किसी शर्त के नागौर लोकसभा की सीट हनुमान बेनीवाल की पार्टी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को दे दी। सूत्रों की माने तो बेनीवाल के साथ बीजेपी के गठबंधन से वसुंधरा राजे व यूनुस खान दोनों ही राजी नहीं थे, लेकिन ये फैसला अमित शाह का था, इसलिए वसुंधरा राजे ज़्यादातर बीजेपी और आरएलपी के गठबंधन पर बयान देने से बचती रही। वहीं वसुंधरा राजे के करीबी माने जाने वाले नेता यूनुस खान भी लोकसभा चुनाव के दौरान न तो बीजेपी के लिए कोई सभा की और न ही प्रचार किया। डिडौना में जब बेनीवाल के समर्थन में योगी आदित्यनाथ जैसे बड़े नेता आए, वहां पर भी यूनुस खान नदारद मिले। लोकसभा चुनाव के दौरान यूनुस खान कहां थे ये किसी को भी नहीं पता। हालांकि आपको बता दें, यूनुस खान वोटिंग वाले दिन जिस दिन नागौर लोकसभा सीट के लिए वोटिंग हो रही थी, उस दिन मीडिया के सामने जरूर आए। सूत्रों की माने तो अब राजस्थान की राजनीति में बड़ा बदलाव होने वाला है। बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व अब राजस्थान में वसुंधरा राजे का विकल्प खोज रहा है। लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी की बेनीवाल से नजदीकियां बढ़ी और यूनुस खान और वसुंधरा राजे व केंद्रीय बीजेपी के जो बड़े नेता हैं उनके बीच जो फासला है वो देखा गया। खैर अब तो परिणाम भी सामने आ गए हैं। बीजेपी ने जो रणनीति राजस्थान के लिए बनाई थी वो शानदार तरीके से कामयाब भी हुई, यानी कि 25 की 25 लोकसभा सीट पर बीजेपी ने एक बार फिर से कब्जा कर लिया। पिछली बार जब वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री थी तब 25 लोकसभा सीट बीजेपी ने जीती थी, लेकिन इस बार न तो यहाँ पे वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री है और न ही बीजेपी की सरकार है राजस्थान में। इसके बावजूद भी बीजेपी के जो केंद्रीय नेताओं ने जो रणनीति राजस्थान के लिए बनाई वो बिल्कुल सफल रही।